कैसे हो आप लोग बच्चे? ठीक हो गए? पढ़ाने से पहले आप लोगों को हम एक बार बोल देते हैं कि आप लोग जो है मन लगा के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि नॉलेज से बड़ा कोई धन नहीं है, ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं है। अगर आप लोग पढ़ाई करोगे, आपके पास ज्ञान होगा, तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो। लॉकडाउन पीरियड है, छुट्टी है आप लोगों का, तो आप लोग इस टाइम में सबसे ज़्यादा पढ़ाई करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है? तब भी हम देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है? पेरेंट्स भी उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पेरेंट्स से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बच्चे को पढ़ाई पर थोड़ा आप उसके साथ बैठिए, थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए बच्चों को, ओके? कम से कम 2 घंटे पढ़ाई कीजिए, क्योंकि हर दिन आपका एक चैप्टर का, कोई भी सब्जेक्ट का एक चैप्टर आप लोगों के पास वीडियो चला जाता है, ठीक है? हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? आप लोगों की पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। स्कूल खुलेगी तो पढ़ाई तो हो ही जाएगी, बट स्कूल बंद है तो पढ़ाई तो अब इसलिए बात है कि पढ़ना तो चाहिए, नहीं तो भूल जाइएगा आप लोग। थोड़ी बहुत बस 2 घंटे पढ़ाई करते रहिए, ओके? तो आज हम आपको तो क्लास 5 का कंप्यूटर सब्जेक्ट लाए हैं। चैप्टर 1 है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका इवोल्यूशन यानी उसका जन्म कहाँ से हुआ था, ये हम आपको बताएं, ओके? आज हम लोग कंप्यूटर के बारे में जानते हैं कि कंप्यूटर का जन्म कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, ओके? यू हैव लर्न दैट कंप्यूटर एक्सेप्ट स्टोर्स एंड प्रोसेस डाटा अकॉर्डिंग टू अ गिवन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू प्रोड्यूस द आउटपुट। इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर क्या करता है, डाटा को पहले एक्सेप्ट करता है, उसके बाद उसको स्टोर करता है और उसको प्रोसेस भी करता है, देन उसके बाद वो आउटपुट भी वो रिजल्ट को इंस्ट्रक्शन को या रिजल्ट को आउटपुट भी देता है, ओके? बट डू यू नो हाउ अ कंप्यूटर वाज डेवलप्ड? लेकिन आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर का आविष्कार या डेवलप किसने किया था? नहीं जानते हैं। द कंप्यूटर यू यूज टूडे इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अर्ली डिवाइस दैट वेयर इन्वेंटेड फॉर डूइंग कैलकुलेशन। जब भी पहले बार कंप्यूटर बना था, रिवोल्यूशन हुआ था, उस समय हम लोग कंप्यूटर का यूज क्या किसके करते थे? कैलकुलेशन के लिए करते थे, जैसे जोड़ घटाओ ऐड सब्सट्रैक्ट वगैरह जो भी होता था कंप्यूटर के सिर्फ वही काम करता था, ओके? लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ ईयरली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस। तो हम लोग जैसे जब कंप्यूटर बना था तो पहले कैलकुलेशन का काम होता था बस, तो हम लोग आज कुछ कैलकुलेटिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, ओके? पहला हो गया एबाकस। द एबाकस वाज प्रोबेबली द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइसेस। जो एबाकस तो था वो पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था। इट हैज अ वुडन फ्रेम विद बिट्स सीडिंग और वायर। यह जो था लकड़ी के फ्रेम जैसा था इसका, और उसमें जो छोटे छोटे बिट्स लगे होते थे, और उसका जो बिट्स का जो कलर होता था वो अलग अलग कलर का होता था, ओके? जस्ट लाइक आप लोग देख सकते हैं फिगर में, ये वापस पहले किस तरह का था, वुडन फ्रेम था इसमें, और इसमें क्या होता था, छोटे छोटे बिट्स हैं सारे पेयर में, ओके? और सारे का कलर अलग अलग है, ओके? इट वॉज यूज टू परफॉर्म सिंपल कैलकुलेशन लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। तो इसको यूज कैसे होता था, इसका यूज कैलकुलेशन में होता था, जैसे एडिशन जोड़, सब्ट्रैक्शन घटाओ, मल्टीप्लीकेशन गुना एंड डिविजन, ठीक है? तो इसका यूज कहाँ कहाँ होता था, एडिशन करने में,
सब्ट्रैक्शन करने में, मल्टीप्लिकेशन करने में एंड डिवीजन करने में, ठीक है। इट इज स्टिल इन यूज टूडे इन मेनी कंट्रीज, स्पेशली इन कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। ये आजकल यूज कहाँ सबसे ज्यादा होता है? एशिया एंड अफ्रीकन कंट्री में अभी भी यूज इसका होता है, अभी भी इसका यूज एशिया एंड अफ्रीका कंट्री में होता है। तो आप लोग एबाकस के बारे में जान गए। ओके, नेक्स्ट आता है नेपियर बोन्स। एबाकस के जैसा ही नेपियर बोन्स एक कैलकुलेटिंग डिवाइसेस है। इन 1616 यानी 1616 ईस्वी में, 1616 ईस्वी में आपका सर जॉन नेपियर एक साइंटिस्ट थे, सर जॉन नेपियर मेड अ कैलकुलेटिव डिवाइस, उन्होंने ये डिवाइस बनाया था एंड कॉल्ड इट्स नेपियर्स बोन्स। जो डिवाइस जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था सर जॉन नेपियर, उन्होंने जो डिवाइस बनाया था उसका नाम रखा था नेपियर्स बोन, अपने ही नाम पर उन्होंने उस डिवाइस का नाम रखा था। द डिवाइस वाज कॉल्ड नेपियर्स बोन बिकॉज इट हैड नंबर्स कार्व्ड ऑन बोन्स या ऑन स्ट्रिप्स ऑफ वुड। इसमें क्या क्या चीज का यूज होता था? नंबर्स का तो यूज होता ही था, कार्व्ड ऑन बोन्स, बोन से बना होता था या स्ट्रिप ऑफ वुड, वुड के स्ट्रिप से भी ये बनता था, हड्डियों से भी बना था ये और वुड से भी बना था। ओके, इट वाज यूज्ड फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसमें भी हम लोग एडिशन कर सकते थे, जोड़ बढ़ घटाव भी कर सकते थे, मल्टीप्लिकेशन गुणा भी कर सकते थे एंड डिवीजन भागा भी कर सकते थे एंड टू फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ नंबर। और इसके साथ साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के साथ साथ हम लोग स्क्वायर रूट्स ऑफ नंबर, नंबर के स्क्वायर रूट को भी कैलकुलेट इसमें कर सकते हैं। तो एबाकस में हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन तो करते ही थे, और नेपियर बोन्स में उसमें आ गया कि एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी कर रहे थे उसके साथ साथ स्क्वायर रूट्स भी निकालना इसमें आसान हो गया। ओके, समझ गए नेपियर बोन्स। 1616 ईस्वी में सर जॉन नेपियर्स ने इसका आविष्कार किया था। ओके, नेपियर बोन्स बनाया था। पास्कलिन, नेक्स्ट आता है पास्कलिन। पास्कलिन इन 1641 1616 में नेपियर्स को और 1641 ईस्वी में पास्कलिन का आविष्कार हुआ। इन 1641 अ फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लाइस पास्कल इन्वेंटेड द पास्कलिन द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। 1641 ईस्वी में एक मैथमेटिशियन थे ब्लेज पास्कल, उन्होंने ये इस चीज़ का आविष्कार किया पास्कलिन, और इसको सबसे पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो डिजाइन हो गया इस तरह से होता है पास्कलिन का, ठीक है, बुक में आप लोग देखिएगा। मैकेनिकल कैलकुलेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। इट कंसिस्टेड ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स विद मूवेबल व्हील्स। इसमें जो होता है रेक्टेंगुलर या गोल गोल जो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है और उसमें मूवेबल व्हील होता है जो व्हील मूव करता रहता है। इट वाज यूज्ड फॉर एडिंग सब्ट्रैक्टिंग मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग नंबर्स अप टू द 100 and 1000। इसमें भी हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का भी कर सकते हैं, बट इसमें 100 एंड 1000
यानी 100 है, 1000 तक भी कर सकते हैं, 100 तक तो कर ही सकते हैं, 1000 तक भी कर सकते हैं इसमें कैलकुलेशन। ओके, लेबनीज कैलकुलेटर। नेक्स्ट आते हैं लेबनीज कैलकुलेटर। लेबनीज द फेमस जर्मन मैथमेटिशियन इंप्रूव्ड ऑन ऑस्कर्स मशीन इन 1641 में पास्कलिन आविष्कार किया था, ब्लेस पास्कल ने इसका आविष्कार किया था पास्कलिन का, और ये 1971 में इसका आविष्कार हुआ था लेबनीज कैलकुलेटर का, जो एक जर्मन मैथमेटिशियन यानी जर्मनी से बिलोंग करते थे, उनको जर्मन मैथमेटिशियन बोला जाता था, उन्होंने लेबनीज कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। लेबनीज कैलकुलेटर वाज अ मैकेनिकल डिवाइस। ये जो लेबनीज कैलकुलेटर हो गया ये मैकेनिकल डिवाइस होता है। अपार्ट फ्रॉम परफॉर्मिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द लेबनीज कैलकुलेटर कोड इवेंट जो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एंड फाइंड स्क्वायर रूट्स। इसमें भी हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन का करते हैं कैलकुलेशन, और इसके साथ साथ हम लोग स्क्वायर रूट्स निकालने के लिए भी इसमें निकाल सकते हैं। ओके, तो आप लोग को हम लोग एबाकस, नेपियर, बोन, पास्कलिन और लेबनीज कैलकुलेटर के बारे में बता दिए। इसके बाद हम लोग आते हैं डिफरेंस इन जोन। इन द 19th सेंचुरी यानी 19वीं शताब्दी में एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे चार्ल्स बाबेज इन्वेंटेड अ मशीन कॉल्ड द डिफरेंस इंजन टू प्रिपेयर मैथमेटिकल टेबल्स निकालने के लिए चार्ल्स बाबेज ने इस मशीन का आविष्कार किया। 19th सेंचुरी यानी 19वीं शताब्दी में चार्ल्स बाबेज ने जो मैथमेटिकल टेबल होता था उसको निकालने के लिए इस डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। ओके, 19वीं शताब्दी में इसका जो देखिए इस तरह का आपका रहता है। ओके, अभी भी बहुत ज़्यादा आपको जो भी बहुत ज़्यादा आपको ये मिल भी जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग को बताते हैं एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बाबेज ऑल्सो इन्वेंटेड द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर नोन एज द एनालिटिकल इंजन विच हैड द सेम बेसिक एलिमेंट एज द मॉडर्न कंप्यूटर इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी डिवाइसेस। इसके बाद चार्ल्स बाबेज ने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था, इसके बाद उन्होंने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। ठीक है, इसमें जो मॉडर्न कंप्यूटर यानी आजकल के ज़माने का कंप्यूटर से अच्छा उन्होंने बना दिया था, जिसमें से इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी डिवाइसेस का यूज होता है। ड्यू टू हाई पाथ ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन टू कंप्यूटिंग चार्ल्स बाबेज इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। इसके बाद इन चार्ल्स बाबेज को कंप्यूटर का मॉडर्न कंप्यूटर के जब फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर के बारे में जानने लगे। ओके, एनालिटिकल इंजन जब इन्होंने बनाया चार्ल्स बाबेज ने तो इनको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर के नाम से जाना जाने लगा। ओके, नेक्स्ट
इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, नेक्स्ट टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट जनरेशन टू बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी यूज। बहुत सारे आजकल जो जनरेशन के कंप्यूटर आ रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, बहुत सारे जनरेशन आ रहे हैं। जैसे जैसे आपका आगे बढ़ता गया है उसी तरह से आपका जनरेशन भी ऊपर चला जा रहा है। ठीक है, जनरेशन के हिसाब से जैसे समझ लीजिए कि पहले कैसा होता था, बस ट्रक चलती थी, नहीं चलती थी। जनरेशन बढ़ता गया, बस भी चलने लगा, ट्रक भी चलने लगा, नए नए तरह की गाड़ी भी बनने लगे, हवाई जहाज भी बनने लगे। उसी तरह से जनरेशन आपका इवोल्यूशन हुआ कंप्यूटर्स में, धीरे धीरे उसका प्रोग्रेस होना शुरू हो गया। तो हम लोग अब इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द फॉलोइंग वेयर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, दे यूज वैक्यूम ट्यूब्स। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या था, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज होता था। दे वेयर वेरी लार्ज इन साइज, हैड अ स्मॉल इंटरनल स्टोरेज एंड वेरी हाई स्पेंसिव। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या था कि उसमें वैक्यूम ट्यूब का पहले बार यूज होना शुरू हो गया। वैक्यूम ट्यूब का यूज शुरू हो गया तो उसका जो साइज था उसका बहुत बड़ा साइज था। ठीक है, हैड अ स्मॉल इंटरनल स्टोरेज और उसके अंदर बहुत कम स्टोरेज रहता था। एंड वेर वेरी एक्सपेंसिव और ये बहुत महंगा। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या था, साइज में बड़ा, स्मॉल इंटरनल स्टोरेज, स्टोरेज डिवाइस भी बहुत कम था और वेरी एक्सपेंसिव भी था और महंगा भी था। सम एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आर एज फॉलोज। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो एग्जाम्पल है वो आप लोग को बताते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, वैक्यूम ट्यूब का यूज इस तरह से होता था, वैक्यूम ट्यूब स्क्रीन को बनते थे और ये होता था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, मार्क वन। मार्क एग्जाम्पल में आ जाता है, मार्क वन। मार्क वन वाज डिजाइन बाय हॉवर्ड एच आइकन इन द ईयर 1944। मार्क वन एक डिजाइनर थे, उन्होंने ये डिजाइन किया था। ठीक है, मार्क वन का डिजाइन किया था हॉवर्ड एच आइकन ने सन 1944 ईस्वी में। इट वाज अबाउट 15 मीटर्स लॉन्ग एंड द वायर्स कनेक्टेड द वेरियस पार्ट्स ऑफ द मैगजीन वेयर अबाउट 800 किलोमीटर लॉन्ग। ये जो कंप्यूटर बनाए थे मार्क वन, जो 15 मीटर लंबा था और इसका वायर जो था बहुत ज़्यादा इधर से उधर कनेक्टेड था। ऐसे समझ लीजिए कि 800 किलोमीटर तक का इसका वायर एक दूसरे से पार्ट से कनेक्टेड था। द मशीन वॉज स्लो एंड टू 3 to 5 सेकेंड पर कैलकुलेशन। ये मशीन जो था बहुत स्लो काम करता था, एक कैलकुलेशन को ये 3 सेकेंड या 5 सेकेंड टाइम लगा देता था। बट इट वॉज द फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। लेकिन ये तो जो था फर्स्ट, पहला जो था फुली ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था। ऑटोमेटिक इसमें जैसे डाटा डालिए और आपका 3 से 5 सेकेंड तक का टाइम लेता था, उसके बाद ये आपको आउटपुट रिजल्ट भेजता। ओके, इसके बाद आता है मार्क वन के बाद INIC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। द INIC वॉज डेवलप्ड बाय जॉन
रिस्पोर स्कोर एंड जॉन डब्ल्यू मोंकली इन द ईयर 1944 में मार्कोन का आविष्कार हुआ और 1946 में इन्हीं का आविष्कार हुआ। दो साइंटिस्ट ने मिलकर इसको बनाया था, जो नाम था जॉन क्रिपर प्रेस्कॉट स्कॉट एंड जॉन डब्ल्यू मोंकली। इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, और इसको हम लोग फर्स्ट पहला फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। इट कंसिस्टेड ऑफ 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स, इसके अंदर 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स से मिलकर ये आपका यूनिट बना है। ऑक्यूपाइड 63 स्क्वायर मीटर, मान के चले 63 स्क्वायर मीटर में ये जो कंप्यूटर जो बना था 63 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। 63 स्क्वायर मीटर में ये पूरा फैला हुआ था कंप्यूटर। एंड वेटेड मोर देन 27,000 किलोग्राम, और इसका जो वजन था 27,000 किलोग्राम केजी से ऊपर था। ओके, इसका वजन था 27,000 किलोग्राम से ऊपर था। इट वॉज ओरिजिनली बिल्ट टू हेल्प द आर्मी इन लॉन्चिंग बॉम्ब एंड मिसाइल्स मोर एक्यूरेटली, ठीक है। तो इसका यूज कहाँ करते थे, इनका यूज करते थे आर्मी एंड मिलिट्री वाले जो करते थे, जैसे लॉन्च करना हुआ बॉम्ब को, ठीक है, तो बॉम्ब को लॉन्च करने के लिए, मिसाइल को लॉन्च करने के लिए मिलिट्री वाले आर्मी वाले इसको उपयोग में लाते थे। इट डिड नॉट हैव अ स्टोर्ड प्रोग्राम, इसमें जो प्रोग्राम था स्टोर्ड होकर नहीं जाता था। इट हैड टू बी प्रोग्राम बाई मैनुअली राइटिंग फॉर ईच टास्क, इसमें जो भी प्रोग्राम होता था मैनुअली रूप से वायरिंग फॉर ईच टास्क वायर होता था सारे टास्क से। द स्टोर्ड प्रोग्राम्स रिफर टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द कंप्यूटर फॉर क्विक कैलकुलेशन, द इंस्ट्रक्शन कैन बी रिटेन इन डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेजेस नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और इस लैंग्वेजेस को हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते थे। ओके, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट आप लोग को बताएंगे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वाला मार्कोन आप लोग पढ़ लीजिएगा, इन्हीं के बारे में पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में बताएंगे EDSSC, इसके बाद में EDBSC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएटेड वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर के बारे में बताएंगे, फिर यूनिफाइड 1। ओके, इसका सेकेंड जनरेशन वो आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा आपका क्लास उसका इंतजार कीजिए, जब तक आप लोग जो बुक रहेगा।